भैया की ताकत का अंदाजा भैया। मैया की ताकत का अंदाजा नहीं है, तुम्हें नहीं मालूम है मैया मेरे अंदर कितनी शक्ति है। आज इसी समय कन्हैया ने माखन और मिश्री खाई, माखन मिश्री खाने के बाद में कन्हैया बाहर निकल गए, जाकर के सभी ग्वाल वालों से मिले हैं, सभी ग्वाल वाल मनसुख रानी संकीर्ण दामा मनसुख के लगू कन्हैया ऐसा मन कर रहा है चलो आज कोई खेल खेलते हैं। बोले भाई खेले रोजाना खेलते हैं, ऐ कोई नया खेल हो तो खेले। बोले चलो कोई यार नया ही खेल खेलेंगे चल करके। बोले कौन सा नया खेल है? बोले चलो काली दे पराज गेंद का खेल खेलेंगे। बोले गेंद का खेल? बोले हाँ। कन्हैया बोले गेंद तो हमारे पास है नहीं। दामा कहने लगा गेंद तो कन्हैया हमारे पास है। बोले तो फिर क्या है चलो। बोले गेंद तो है लेकिन हम गेंद देंगे नहीं। बोले क्यों? बोले नहीं अगर गेंद खो गई तो। कन्हैया बोले दामा क्यों पागलों जैसी बातें कर रहा है, अगर गेंद खो जाएगी भैया सोना से देकर के दूसरी गेंद बनवा देंगे, इसमें क्या बात है। बोले नहीं अगर गेंद हमारी खो गई तो वही गेंद ले लें। आज सभी ग्वाल वाल काली देव पर पहुंचे हैं, काली देव को चारों तरफ से घेर लिया, कन्हैया काली देव की तरफ खड़े हो गए। अब सब ग्वाल वाल कहने लगे दामा क्यों देर कर रहा है, गेंद चल शुरू कर। कन्हैया बोले दामा कन्हैया की तरफ गेंद गई। कन्हैया ने टोल मारो
कहन जो थी एकदम से ताली रहने की पड़ी। और जो कहन काली रहने की आज सी समय सब जो थे दामा भागा है कन्हैया के पीतांबर को पकड़ लिया। और जब कन्हैया के पीतांबर को पकड़ लिया है बोले कन्हैया मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था अगर मेरी गेंद खो गई तो हम वही गेंद ले लेंगे। अब चाहे कुछ भी करो कहीं से ला हमें वही गेंद चाहिए। कन्हैया बोले दामा वो तो गेंद काली में हमें गिर गई वो कैसे मिल जाएगी। दामा बोले कन्हैया चाहे कुछ भी करो हमें वही गेंद चाहिए। तो आज उसी समय दामा ने झपट करके कन्हैया को पीतांबर पकड़ लिया है। तो कन्हैया बोले है दामा दामा